अपन ने जब अपनी फिल्म मुकद्दर स्टार्ट की 80 की दिहाई में, जब उनका थोड़ा जवाल था, तो उसके प्रोड्यूसर थे शाह साहब और वहीद मार साहब, दोनों थे। लेकिन वहीद मार साहब का, शाह साहब ने पैसा 2-3 लाख था उस दौर का, बहुत ज्यादा वो पैसा था, इसने शाह साहब ने बर्बाद कर दिया। ये शूटिंग पे नहीं आते थे, वहीद मार साहब इंतजार करते रहते थे। इस तरह बाबरा शरीफ साहब ने भी वहीद मार साहब को हीरो फिल्म बनाते हुए बहुत तंग किया। वो शूटिंग पे नहीं आती थी और वहीद मार साहब को टाइम नहीं देती थी। वहीद मार साहब एवेन्यू स्टूडियो के फुहारे पे खड़े रहते थे और बाबरा शरीफ मिस सीरियल, जो मिस हांगकांग, मिस कोलंबो और ये इन फिल्मों में के लिए शमीमारा के ऑफिस में बैठी रहती, उसे जाके इतला करते थे कि वहीद मार साहब बाहर खड़े हैं। बाबरा शरीफ गुस्से से आगे से कहते फिर आगे वो मुमताज साहबा थी जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। मुमताज साहबा बहुत इखलाक वाली थी, आसिया साहबा बहुत इखलाक वाली थी। उन्होंने वहीद मार साहब के साथ बड़ा कॉपरेट किया, उन्होंने उनके साथ तावन किया और मुमताज साहबा ने फुल टाइम दिया हीरो फिल्म के लिए। लेकिन बाबरा शरीफ साहबा ने बहुत तंग किया था। उंगली पकड़ के मुझको रास्ता दिखा दे, मैं अनजान हूँ। वश्मी मारा साहब ने भी आंखें बदल ली थी, उन्होंने भी जी और जीने दो में जो वहीद मार साहब की तस्वीर थी, बहुत छोटी सी तस्वीर लगाई थी, बड़े पोस्टर जो बड़ा इश्तिहार जो होता है, और गुलामुद्दीन साहब की बड़ी फोटो लगाई थी। गुलामुद्दीन साहब ने कहा भी था वश्मी मारा साहब को कि वहीद मार साहब हमारे सीनियर हैं, उनकी तस्वीर आपने क्यों छोटी लगाई है। उनको जब इश्तिहार दिखाया गया गुलामुद्दीन साहब को, हालांकि दोनों वश्मी मारा के बेटे बने थे, उसमें वश्मी मारा दूसरी बार वहीद मार साहब की वालदा का किरदार अदा किया था, पहली बार वो वक्त फिल्म में था। मैं सेठ से बेटा बनकर अपना हक मांगू या डाकू समझकर इंतकाम। वहीद मार साहब को सब ने बहुत ज्यादा तंग किया, उनको हसद करते थे उनके साथ। और इसी तरह ये सईद नूर साहब भी यही कहते थे एक इंटरव्यू में कि वहीद मार साहब तो एक उछलने कूद के गाने वाला वो अदाकार था, वो और तलत हुसैन साहब, फरदौस जमाल साहब जो भी इंटरव्यू में करते, वो उनको उनकी वफात को 38 साल हो गए हैं, लोग उनको नहीं भूले। नई नस्ल को भी पता है और किसी का भी नहीं पता, नई नस्ल को कोई हीरो थे हमारे पुराने, सिर्फ इमाद को सब जानते हैं आज तक। और फरदौस जमाल और ये तलत हुसैन साहब और ये छोटे किस्म के छोटे जहन के लोग हैं, अभी तक वो उस दुआएं करने के बजाय उनको इस तरह कहते, वो इस तरह आ गया जी, बड़े बाप का बेटा था तलत हुसैन साहब कहते, इसलिए वो आ गया, क्योंकि ये खुद इनका 40 सकी उसके आगे वहीद मार साहब के आगे कोई टिक नहीं सकता था, तो और वो उसके खिलाफ ये सारे के सारे हो गए थे। और मुझे गरीब जान के ऊपर बनी हुई, और ऐसे स्क्रीन पर नजर आते थे, कोई हीरोइन भी उनके मुकाबले में खूबसूरत नजर नहीं आती थी, कोई भी फिल्म की हीरोइन। एक कैमरामैन साहब का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, वो कहते थे कई बार हम लाइट जो थी ना वहीद मार पे कम रखते थे, क्योंकि वहीद मार साहब जो हीरोइन थी उनसे ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। फिर ऊपर डायरेक्टर कहता था यार इसका तो ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी कि हीरो ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा, हीरोइन नहीं आ रही, वो इतनी खूबसूरत नजर नहीं आती। इस तरह फिर शबनम जो सांवली होती शमीमारा होती थी या शबनम होती थी, उन पे हम लाइट ज्यादा रखते थे, वहीद मार पे थोड़ी कम रखते थे। और वहीद मार की स्क्रीन ब्यूटी इतने अच्छे वो स्क्रीन पर लगते थे, कोई हीरो दुनिया का उनसे अच्छा फिल्म इंडस्ट्री का है ही नहीं था कि जो वहीद मार का मुकाबला कर सकता हो। इसीलिए तो लोग उनसे जेलस होते थे फिल्म इंडस्ट्री के सारे के इस छोटी सी उम्र में वहीद मार साहब ने वो शोहरत पाई। और इनका हसद, इनकी जलसी अभी तक नहीं गई, हालांकि उनकी वफात को 38 साल हो गए हैं, लोग नहीं भूले। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं वहीद मार साहब के, तो ये
अभी भी उनसे हसद करते हैं, दुआएं करने की बजाय उनसे हसद करते हैं। ये तो उनके फैन ने उनको जिंदा रखा हुआ है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं नाजरीन, सलमा मुराद जो इनकी वाइफ है, क्योंकि सब कुछ वजमा साहब ने जितनी भी जायदाद थी अपनी प्रॉपर्टी थी सलमा मुराद के नाम कर दी थी। जब यूरो फिल्म की शूटिंग हुई वो उनको पैसे भी नहीं देती थी, बल्कि आलिया मुराद को लेके अमेरिका चली गई थी और इनको पैसों की भी थोड़ी सी तंगी हुई थी हीरो फिल्म शूटिंग। हालांकि इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने सारी जायदाद, शरीफ इंसान थे और बहुत एहसास दिल वो अदाकार थे, और अब सब गम सब कुछ अपने दिल में ले के वो इस दुनिया से चले। एक मैं ही बुरा हूं बाकी सब लोग अच्छे हैं, मैं झूठा हूं दुनिया के सब लोग सच्चे हैं। उनकी वाइफ ने भी उनका साथ नहीं दिया, अपनी जायदाद नाम लगवा के उनको शूटिंग के लिए भी पैसे नहीं देती थी। जो हीरो फिल्म की शूटिंग पे ही बहुत तंग किया सलमा मुराद साहब ने, अपने घर से भी उनके खिलाफ हो गए थे, तो बाहर वाले तो थे ही और घर से भी। इसलिए अल्लाह ताला ने वजमा साहब को अपने पास ही बुला लिया इस, लेकिन ये अल्लाह का खास करम है कि अल्लाह ने उनका नाम अभी तक जिंदा रखा हुआ। वरना दुनिया में कितने एक्टर्स कितने आर्टिस्ट चले जाते हैं। मोइन अख्तर साहब कहा करते थे अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे, के लोग अपने रिश्तेदारों को साल